आज बन रही है कराची स्ट्रीट स्टाइल में फ्राइड फिश, जो कि बहुत ही आसान और बहुत अच्छी रेसिपी है। वेदर के लिहाज से बन रही है, वेदर हो रहा है चेंज, तमाम स्टेप्स को करें फॉलो, बहुत अच्छी बनने वाली है। तो चले बनाते हैं। फ्राइड फिंगर फिश बनाने के लिए मैंने ले ली है 1/2 kg फिश, ये फ्रेश वाली ली है मैंने। इसको मैं 1/2 inch की लंबाई में इसको कट करती हूँ, फिर इसको मैरिनेट करते हैं, फिर आगे स्टेप करते हैं। ये इस तरीके से मैंने कर लिए हैं लंबाई में इसके कटिंग। अब इसको करते हैं हम मैरिनेट। अब फिश की मैरिनेशन के लिए मैं कुछ मसाले इस तरीके से ले रही हूँ कि मैंने 1/2 teaspoon लिया है ये जो इसमें है अजवाइन, 1 teaspoon जीरा और साबुत धनिया, थोड़ा थोड़ा सा मैंने कूट लिया है, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 teaspoon गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर, ये ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं 1 teaspoon, और 1 teaspoon पिसी हुई काली मिर्च है, और 1 teaspoon ही चाट मसाला है। आप कोई सा भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये घर का यूज़ किया है। अब फिश को हमने कर लिया था वॉश, ड्राई कर लिया इसको मैंने। अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं जो भी अभी मैंने आपको दिखाए हैं, सब ऐड कर लिए हैं। इसको कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। देखें ये हो गए हैं सही से मिक्स। इसमें अब हम इसमें मिलाएंगे राइस पाउडर, चावल का आटा और थोड़ा सा पिसा हुआ बेसन। ये हमारे पास 3 tablespoon बेसन ले लिया, 3 tablespoon मैंने चावल का आटा ले लिया। अब इसमें करते हैं मिक्स, इसको भी इसमें सही से मिक्स कर लेंगे। अब बेसन और चावल का आटा इसमें मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब एक नींबू का रस मैं इसमें अच्छे तरीके से कर दूंगी ऐड, उसको भी मिक्स कर दूंगी। 1/2 teaspoon मैं इसमें हल्दी भी ऐड करी। अब एंड में इसमें बिल्कुल ऐड कर लेते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 teaspoon, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ड्राई सा हो रहा है मसाला, तो इसमें हम 5 to 6 tablespoon वाटर ऐड करेंगे। एंड में मैंने हल्दी और नमक ऐड करके 6 tablespoon 7 tablespoon आप ऐड कर सकते हैं पानी, बहुत लिक्विड नहीं करना, और इतना ऐड किया है कि फिश पे अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए सारा मसाला, और इसको रख देते हैं हम मैरिनेशन के लिए फ्रिज में। अब फिश के साथ ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/2 bunch हरा धनिया, 1/2 bunch पुदीना, 1 मैंने हरी मिर्च ले ली है छोटी, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon जीरा और 2 tablespoon इमली का पल्प इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके कर लेते हैं ग्राइंड, और एक बहुत अच्छी सी चटनी रेडी हो जाएगी।